जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो हाजिर हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों के साथ। झांसी में नेताजी सुभाष चंद्र जयंती धूमधाम से मनाई गई। झांसी व्यापार मंडल महिला शाखा की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नमन करते हुए उन्हें याद किया। नेताजी की जयंती पर समाज सेवी मनमोहन गेड़ा ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। साथ अंजलि दत्त ने कहा कि नई पीढ़ी को उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना चाहिए। यही नहीं, व्यापारी नेता संतोष साहू ने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती हम सब व्यापारियों ने मिलकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया। इस मौके पर कई व्यापारी मौजूद रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हमारी झांसी व्यापार मंडल की महिला शाखा ने यहाँ पर सीपरी बाजार में हम लोगों ने उनको नमन किया और साथ में एक गोष्ठी आयोजित की। हम लोगों को बड़ा ही गर्व है कि हमने उस देश में जन्म लिया है, ऐसे महान पराक्रमी जैसे नेताओं ने और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने जन्म लिया है। आपका नाम क्या? मैं अंजलि दत्ता। आज कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम था? आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और उनकी जयंती पे हम सब उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनको एक मतलब छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ सुभाष चंद्र बोस पार्क में आयोजित किया है जिसमें हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय सुभाष जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने सुभाष मार्केट में जो सुभाष जी की मूर्ति यहाँ स्थापित है इस सुभाष पार्क में आकर झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश ने अपनी श्रद्धांजलि और उनको पुष्प अर्पित किए हैं ताकि आज उनके जयंती पर हम सभी ने उनको नमन करके और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है।